पार्टी के काफी मुतहरिक और सीनियर रहनुमा हैं, गवर्नर पंजाब रह चुके हैं पीपल्स पार्टी के टेन्योर के अंदर, लेकिन कुछ अरसा पहले पार्टी से इख्तलाफात की वजूहत पर उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ दी और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी। तहरीक इंसाफ की हिमायत के साथ आजाद उम्मीदवार के तौर पर लतीफ खोसा ने कागजात नामजदगी जमा कराया। काफी मुश्किल का सामना भी उनको करना पड़ा, कई दफा उनके दफातर पर छापे मारे गए। उन्होंने ये सीट निकाल ली है, NA 122 लाहौर का हल्का है। 1,17,000 के वोट के मार्जिन के साथ वो जीत चुके हैं, जबकि के साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, दरीना साथी हैं नून लीग के और शरीफ खानदान के, उनको शिकस्त हुई है। उमर दराज गुंदल ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद है। उमर, पहले तो यही खबरें आ रही थी कि सारी सीटें नून लीग जीत रही है, अभी एक सीट निकाली है लतीफ खोसा की जानिब से जिन्होंने बहुत कम अरसा पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है उन्होंने ज्वाइन किया था। जी, ख्वाजा साद रफीक ने दूसरी बार जनरल इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हारने का अपना सिलसिला जारी रखा है। 2024 में भी वो एक बार फिर हार गए हैं और इस बार लतीफ खोसा ने इस बार उनको हराया है और 1,17,000 के करीब वोट हासिल किए लतीफ खोसा साहब ने, जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। और उनके मुकाबले में ख्वाजा साद रफीक जो बड़े अहम रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, वजीर भी रहे पिछली हुकूमत के अंदर, उन्होंने 77,000 वोट हासिल किए हैं। लतीफ खोसा गो के इल्जाम बहुत लगा रहे थे, उनके खर्चों का भी इजहार किया अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, लेकिन बहरहाल लाहौर के अंदर मजमुई तौर पे तीसरी सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल करने में कामयाब हुई है। 2018 में इसी हलके से इमरान खान मुकाबले थे उनके, और इमरान खान जो है उन्होंने ख्वाजा साद रफीक को हराया था, क्योंकि बाद में जब जिमनी इलेक्शन हुआ था तो जिमनी इलेक्शन में ख्वाजा साद रफीक जरूर जीत गए थे। लेकिन मजमुई तौर पे जो आज पहली खबर थी वो हमें NA 121 के अंदर नजर आई, जहां पे शेख रोहेल असगर कामयाब हुए। उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले जो दूसरे नंबर के ऊपर हमें नजर आया वो यहाँ पे NA 129 के अंदर था, जहाँ पे मियां अजहर कामयाब हुए। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है तीसरी सीट के ऊपर NA 122 के अंदर कामयाब हो गई है। अब तहरीक इंसाफ की नजरें जो है वो NA 128 के ऊपर है। अच्छा, सही उमर, क्योंकि आप तो लाहौर में हैं, आपने काफी सारे हलके खुद विजिट भी किए। लतीफ खोसा को बहुत कम अरसा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आए हुए, वोटर टर्नआउट कैसा था? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ये जो चॉइस थी लतीफ खोसा की, इससे खुश थे? देखिए, हमने लोगों से पूछा, लोग लतीफ खोसा को नहीं जानते, लोग इंतखाबी निशान के को नहीं जानते, वोट इमरान खान का था। और इवन ये खुद जो लतीफ खोसा है वो कह रहे थे कि लोग मुझे फोन करते हैं, वो कहते हैं वोट आपको देंगे लेकिन वोट आपको